File this petition for questioning the FIR on behalf of the husband or sister. Yes. Marriage took place in the year 2004. What is this 498A? Yes, Lordship. He was arrested. Lordship, in this case, Lordship, by the Adventure P2. He must be on bail by now. No, it's not a bail, it's a 482, Lordship. उसके बाद बेल हो गया होगा. I think. बेल हो, वो तो सब मैं वरी भी हो गया, इन्होंने दोबारा FIR कटवा दी मेरे खिलाफ. अनेक्षर P2 देखें Lordship. अनेक्षर P2 पेज 13. इसमें Lordship 23/12/2021 को मेरे खिलाफ 498 में मेरे ब्रदर और मदर के खिलाफ 498 की FIR लॉन्च कराई थी 2017 में. और इसमें जजमेंट आया 23/12/2021 को. ये इसमें भी आप एक्यूज थे? मैं ही एक्यूज था, हस्बैंड हूँ मैं सब. पहले वाले में भी हस्बैंड हूँ ना Lordship. तो उसमें आप एक्विट हो गया? एक्विटल हो गया. ये ऑर्डर हुआ 23/12/2021 को. जैसे ही इनको पता चला एक महीने बाद की जब बरी हो गए, एक नई FIR अगले थाने में जाकर काट दी 498 की. वो कैसे होगी? अनेक्षर P1 देखे Lordship. अनेक्षर P1 की FIR 13/12/2022. और इसमें क्या डेट ऑफ इंसिडेंट और ऑफेंसेस क्या बताया? वही है सेम. और वो थाना बदल दिया केवल सब, ये शिवपुरी महिला पुलिस थाने में कटवा दी. और पहले वाले थाने की थी पिछोर जिला शिवपुरी की. और एलिगेशंस वही हैं? सेम एलिगेशन Lordship, वही हस्बैंड. विल स्टे द FIR इन्वेस्टिगेशन. चालानी पर फाइल कर दिया इन्होंने उसके बाद. यस, एक मिनट. ये फैक्ट्स, ये जो नए FIR में दिए हैं वो पुराने वाले में भी दे सकते थे? दे सकते थे, पूरा दे सकते. तो क्या बचा बचा के रखोगे क्या? नहीं, कि नए केस जब भी चाहिए लगा लो. उसमें मैंने ये नहीं कहा, इसमें कह रही है. अच्छा, इसमें भी एक्विटल हो जाए तो बोल दे नहीं मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश थी, कब की थी? फलाने तारीख को, जो मैं पहले नहीं किया था. तो उसका जो है 307 भी लगाइए. ये तो अनंत रहेगा. वी विल स्टे द प्रोसीडिंग्स अराइजिंग फॉर दिस. यस, व्हाट यू रिस्पोंडेंट नंबर 2 इन दिस. यू नो व्हाट डू यू वांट टू से? आई एम ऑन अनदर पॉइंट. पर हां, काइंडली सी माय आईए. हां, आईए नंबर 14971/22. This is application for taking documents on record. Yes. I have annexed an application dated 3/3/2002. आपका सर लीगल पॉइंट है कि सेकंड प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, बट मेरा सब जो सबमिशन है वो ये है कि मैंने तो एप्लीकेशन ही दूसरी दी थी. मेरी एप्लीकेशन जो उसकी कॉपी मैंने लगाई है, हाँ, वो मेरी एप्लीकेशन ये है कि क्या है इस एप्लीकेशन? ये मेरी एप्लीकेशन ये थी सर कि बिना डाइवोर्स के आपने सेकंड मैरिज कर ली है. दिस एप्लीकेशन वाज फॉरवर्डेड बाय द SP टू द पुलिस स्टेशन. और वहां पर जब हम गए तो इस एप्लीकेशन पर से FIR नहीं हुई और उन्होंने वो 498 की FIR कर. उस इस FIR से दूसरी शादी का FIR बन सकता है क्या इस कंप्लेंट केस के ऊपर? नहीं बन सकता ना, मैं भी यही कह रहा हूं. हाँ, तो आपने पुलिस को दिया क्यों? अगर बिगमी का केस है तो आपने पुलिस को ये शिकायत क्यों की? वो मालूम गांव का माहौल है. अरे गांव का माहौल है, शी इज वेरी परसिस्टेंट. अगर आपका कहना है कि ये FIR आपके द्वारा नहीं लिखाया गया था, आपने ये कंप्लेन पेश किया था, तो हम ये नया FIR को आज ही क्वाश कर देते. ये बिगमी का जो केस है उसके लिए आप 200 में जो है कंप्लेन केस लगाइए. वो बात सही है. हाँ? क्योंकि मैं उसको खुद भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो सेटल्ड लॉ है कि सेकंड प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है. हाँ, तो लेकिन ये इट इज अप टू द पुलिस माय लॉर्ड. इट इज नॉट अप टू द पुलिस, इट्स अप टू यू माय लॉर्ड. दिस एप्लीकेशन, दिस FIR वाज लॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन रिपोर्ट. उसमें देखें जो FIR है. हाँ? उसमें है कि रिटन रिपोर्ट पर से एप्लीकेशन, ये FIR और ये रिटन रिपोर्ट ये है और रिटन रिपोर्ट ये है और उसी डेट की है माय लॉर्ड. ये फिर अगर वो डेट की जो FIR तो वही तो मैं बोल रहा. आई कैन गिव यू द इजीएस्ट वे आउट इज we will protect your right to file a complaint case for the offense under 494. Yes, 494 है ना वो? जी सर, 494 you can file private complaint. Lord, उसके लिए तो आपके हैंड खुले हुए. Lord, हैंड ओपन है. लिबर्टी में गया. यस, वन एक मिनट. दिस इज 494 है सर. बिगमी का CRPC में कौन सा प्रोविजन है? IPC में सर 494. IPC में 494 and in 195 is prosecution contempt. 196 prosecution for not criminal conspiracy, public servants. 198 CRPC. No court shall take cognizance of an offence punishable under chapter 20 of the penal code except upon a complaint made by some person aggrieved by the offence. Where such person is under the aware, where the person aggrieved is of an offence punishable under section 494 or 495 of the Indian Penal Code
इज द वाइफ कंप्लेंट मे बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ हर बाय हर फादर मदर ब्रदर सिस्टर, या तो वाइफ खुद कर सकती है या इन लोगों जो है 198(1)(c) में जितने भी लोगों का है उनमें से कोई भी का कंप्लेंट केस लगा सकता है। डिलीवरी हुई थी उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी मैंने फाइल किया, उसमें मदर फादर का नाम भी सेम है जिस पे मदर फादर्स नेम मे बी द सेम, दे मे बी इन अ लिविंग रिलेशनशिप,